स्टूडेंट्स आई एम सी एना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं एसीए टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग और जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर इलेवन ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स देखिए अभी तक जो हम लोग मेथड्स पढ़ते आए हैं वो मैथड कहलाता है ट्रेडिशनल मैथड ऑफ कॉस्टिंग क्या कहलाता है ट्रेडिशनल मैथड ऑफ कॉस्टिंग क्या क्या पढ़ा था हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग में उसमें हमने देखा था मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स किस तरह से किए जाते हैं ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किस तरीके से किया जाता है और आफ्टर डेट कॉस्ट कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है इनको हम अप्लाई करते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज पर और हमने तब देखा था मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग जैसे जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग ये वेरियस मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग देखे लेकिन जब हमने ये वेरियस मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग देखे सब में हमने देखा कि कॉस्ट कार्ड बनाने का पैटर्न एक जैसा ही होता है मतलब सब में हम क्या करते हैं पहले हम डायरेक्ट कॉस्ट एड करते हैं ठीक है डायरेक्ट कॉस्ट एड करते हैं जो ओवरहेड्स होते हैं उनको हम एब्सॉर्ब करते हैं इस तरह से हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करके कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग लेकिन इस चैप्टर में हम कुछ न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं ठीक है जैसे एबीसी यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टारगेट कॉस्टिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड टीक्यूएम यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो हम ये चार मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं इन्हें हम ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग मैथड्स भी कहते हैं या फिर मॉडर्न कॉस्टिंग मैथड्स भी कहते हैं मॉडर्न कॉस्टिंग मैथड्स क्यों क्योंकि ये रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुए हैं रिसेंटली मतलब जैसे जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ है कंप्यूटराइजेशन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अदर इंडस्ट्रीज में पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है कंप्यूटराइजेशन हुआ है तभी ये वाली टेक्निक्स हमारी एक्जिस्टेंस में आई है क्या नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टारगेट कॉस्टिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो देखिए क्या है मॉडर्न प्रोडक्शन एनवायरमेंट तो मॉडर्न प्रोडक्शन यानी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स देखिए पुराने जमाने में पहले ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स थी वो क्या थी कि हम बहुत ही लार्ज लेवल पर अगर हम जैसे इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद से लेकर किस तरह से चला था कि हम लार्ज लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करते थे ठीक है बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई थी और उन मशीन्स में क्या होता था कि आपके मशीन्स थी लेकिन वो मशीन्स इतनी ज्यादा ऑटोमेटेड नहीं थी मतलब उसमें ह्यूमन इनपुट लेबर्स आपको लगाने ही पड़ते थे ठीक है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती थी डायरेक्ट लेबर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा होता था लेकिन अभी जो हमारे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है, पहला जो है, वो है अब पहले भी हमारी मशीन थी लेकिन मैंने आपको भी बताया कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें क्या था डायरेक्ट लेबर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था मतलब विदाउट लेबर आपकी वो मशीन वर्क नहीं कर सकती थी तो लेबर्स का यूज होना तब ज्यादा होता था अभी वाले जो हमारा मॉडर्न एनवायरमेंट आया है इसमें क्या है बहुत ज्यादा मशीनरी आ गई है ऑटोमेटेड मशीनरी आ गई है मतलब यहां पर डायरेक्ट लेबर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया है एंड जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी है वो क्या है पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब ऑटोमेटेड हो गया है कंप्यूटराइज्ड हो गया है अच्छा पहले जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो क्या होती थी लार्ज लेवल पर होती थी और एक ही जैसा आउटपुट एक साथ लार्ज लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होता था लेकिन अभी क्या हुआ है मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो गया है कम कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर जो मार्केट है वो पूरा का पूरा कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए ओके? Okay? तो पहले जो हमारा होता था वो लार्ज लेवल पर होता था क्योंकि मैन्युफैक्चरर ओरिएंटेड मार्केट होता था अभी कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं कस्टमर की रिक्वेस्ट पर स्मॉलर बेच साइज में भी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पहले हमें वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि कस्टमर रिक्वायरमेंट थी और मैन्युफैक्चरर्स कम थे तो मैन्युफैक्चरर के पास जो अवेलेबल होता था गुड्स कस्टमर वो आपके लेते थे लेकिन अभी क्या हो गया कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं कि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर्स को गुड सर्विसेज प्रोवाइड कराना है तो हम उनकी रिक्वेस्ट पर स्मॉलर और बेस्ट साइज में भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगे अभी क्या हो गया लेस यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर ड्यू टू द हाई यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मशीनरी पहले क्या होता था मशीनरी यूज होती थी लेकिन फिर भी डायरेक्ट लेबर का यूज ज्यादा होता था अभी ऑटोमेटेड मशीनरी ज्यादा आ गई कंप्यूटराइज वर्क ज्यादा होने लगा है इस वजह से डायरेक्ट लेबर का यूज भी कम हो गया है तो इन सब की वजह से जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है उस प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आया है अभी मोर इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई यानी ओवरहेड्स ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं ओवरहेड्स ज्यादा हो गए पहले ओवरहेड्स कम्पेरेटिवली कम होते थे और डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती थी डायरेक्ट कॉस्ट में भी ज़्यादा एलिमेंट्स किसका होता था डायरेक्ट मटेरियल का तो होता ही था बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है प्लस डायरेक्ट लेबर का भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता था क्योंकि हमने क्या देखा अभी हमने देखा कि डायरेक्ट लेबर ज्यादा होते थे तो कॉस्ट का मेन पार्ट क्या होता था डायरेक्ट लेबर होता था लेकिन अभी

जो हमारी ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स आई है उनमें से फर्स्ट टेक्निक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाउ क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जरा सा समझते हैं हम इसको समझने से पहले एक बार हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को थोड़ा सा वापस पढ़ लेते हैं अभी तक जो आपने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड देखा था उसमें हमने क्या किया था उसमें हमने किया डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट वेजेस ये सब मिलकर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट बनती थी जिसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं ओके अब इस प्राइम कॉस्ट में हम क्या करते थे हम ओवरहेड चार्ज करते ये ओवरहेड कैसे चार्ज करते थे हम यहां पर ओवरहेड चार्ज करना मतलब एबजॉर्ब करना और एब्सॉर्ब करते थे और फिर हमारी टोटल कॉस्ट आती थी ओके सो दिस वॉज द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मैथड अब जब हम ओवरहेड एब्सॉर्ब करते थे तो किस तरीके से ओवरहेड एब्सॉर्ब करते थे आप लोगों को सबको ओवरहेड चैप्टर अच्छे से याद होगा ओके okay? हमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा था किस तरह से करते थे पहले हम सारे ओवरहेड्स लेते थे फिर हम उनको डिपार्टमेंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे ये डिपार्टमेंट वन है डिपार्टमेंट टू है इन डिपार्टमेंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आ, पहले क्या करते थे प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट पर भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे फिर सर्विस डिपार्टमेंट के हम आ, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर चार्ज करते थे याद होगा आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के हमने वेरियस मैथड्स भी देखे थे जैसे सैमल्टेनियस इक्वेशन मैथड कंटिन्यूस रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मैथड तो वही मैथड से जो हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट पर चार्ज करते हैं ठीक है तो जब हमारे पास डिपार्टमेंट के ओवरहेड आ जाते थे फिर हम क्या करते थे हम निकालते थे ओवरहेड रिकवरी रेट या ओवरहेड हेड एब्सॉर्प्शन रेट ओवरहेड हेड रेट ओ ए आर निकालते थे कैसे निकालते थे ओ ए आर तो जो अगर हम देखते थे डिपार्टमेंट पर किस एलिमेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस uh, है फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट में मशीन्स ज्यादा है मशीनिंग का काम ज्यादा है तो हम क्या करते थे जो ओवरहेड से उनको हम डिवाइड करते थे मशीन आर से किससे डिवाइड करते हैं? मशीन से। तो ये हमारी ओवरहेड एब्सॉर्बन रेट आती थी बेस्ड ऑन मशीन आर डिपार्टमेंट टू में अगर सपोज डायरेक्ट लेबर का ज्यादा है तो हमने इसको डिवाइड कर देते थे डायरेक्ट लेबर आर से तो यहाँ ओवरहेड एबजॉर्शन रेट आ जाती थी डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पर ठीक है फिर हम इनको क्या करते थे यहां पर जाकर देखते थे कि एक्चुअली कितने डायरेक्ट लेबर आर लगे हैं है और हम यहां पर क्या करते थे उनको एब्सॉर्ब करते थे इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था हमारा ओवरहेड एब्सॉर्बेशन रेट इंटू एक्चुअल मशीन आर और लेबर आर जिस भी बेसिस पर आप निकाल रहे हो कभी कभी हम यूनिट्स के बेसिस पर निकालते थे बेस्ड ऑन आउटपुट तो ओवरहेड एब्सॉर्बन रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड जिसे हम अभी तक करते आए हैं इसे हमने ओवरहेड ये वाला पोर्शन हमने ओवरहेड चैप्टर में देखा था और ये पूरा हमने कॉस्ट कार्ड में भी देखा इसके अलावा जो हमने डिफरेंट मैथड ऑफ कॉस्टिंग देखे जैसे जॉब बैच प्रोसेस सर्विस uh, कॉस्टिंग उन सब में हमने यही मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ही यूज किया राइट right? नाउ अब हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हम यू ही चार्ज करते हैं ठीक है ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट या फिर हमसे प्राइम कॉस्ट आ जाती है प्लस जो हमें ओवरहेड चार्ज करने होते हैं वो हम ओवरहेड किस तरीके से चार्ज करेंगे वो इस एक्टिविटी कॉस्टिंग में डिफरेंट मेथड है यहां हमने किस बेसिस पर चार्ज किया हमने यहां पर एक रिकवरी रेट यानी ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट निकाली और ओवरहेड एब्सॉर्शन रेट निकालने के लिए जो डिपार्टमेंट है उसका हमने बेसिस यूज किया ठीक है लेकिन यहां पर जब हम ओवरहेड चार्ज करते हैं तो हम आ, उसको कोई एक बेसिस लेकर नहीं जैसे डिपार्टमेंट का जो बेसिस है उस पर उसके पर उसके बेसिस नहीं बल्कि किस बेसिस पर चार्ज करते हैं एक्टिविटीज के बेसिस पर चार्ज करते हैं और फिर यहां पर ओवरहेड ऐड करते हैं टोटल कॉस्ट निकालते हैं दिखने में ये सिमिलर लग रहा है लेकिन डिफरेंस है कैसे डिफरेंस है अब उसको देखिए जरा सपोज मेरा ये डिपार्टमेंट है ये मेरा एक क्लोथिंग कंपनी है ठीक है अब क्लोथिंग कंपनी में डिपार्टमेंट है कौन सा मशीनिंग डिपार्टमेंट अब मशीनिंग डिपार्टमेंट में जो मेरे खर्चे थे सारे खर्चे मैंने ऐड करके मेरे यहाँ के ओवरहेड बन गए मैंने यहां पर क्या किया मशीन आर से डिवाइड कर दिया और मेरी एक रेट आ गई और फिर देखा यहां कितने मशीन आर यूज हो रहे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है ये मेरा ट्रेडिशनल में हुआ लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहती है कि नहीं आप पहले इन ओवरहेड्स को देखो कि ओवरहेड्स जो इकट्ठे हुए हैं जो आपने पूरे टोटल किए हैं ओवरहेड्स वो उनमें वो किस-किस के ओवरहेड्स हैं देखो हो सकता है ये ओवरहेड्स मेरे कुछ मशीन से रिलेटेड हो ठीक है कुछ ओवरहेड्स हो सकते हैं मेरे सेटअप के हो मशीन सेटअप कुछ में मेरा हो सकता है ऑर्डर्स से रिलेटेड हो नंबर ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड हो कुछ मेरे रेंट रेट्स टैक्सेस हो, ओके, अब मेरे ये जो ओवरहेड्स हैं, ये मेरे कुछ एक्टिविटीज के नाम लिए जैसे एक्टिविटी क्या हो गई मशीनिंग हो गई सेटअप एक्टिविटी हो गई ऑर्डर हो गया, रेंट रेट्स हो गए हमने जब ट्रेडिशनल ले रहे हैं तब ये जितने भी खर्चे हैं उन सबको हमने एक ही बेसिस ले लिया मशीन आर लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि आप सबको एक जैसे कैसे आप एक जैसा ही बेसिस ले सकते हो देखिए मशीनिंग को आप मशीन आर के बेसिस पे ले रहे हो दिस इज करेक्ट ओके लेकिन जो सेटअप कॉस्ट है यानी मशीन को जो आप सेटअप कर रहे हो वो नंबर ऑफ मशीन आर पर तो डिपेंड नहीं कर रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ सेटअप कितने सेटअप आप यूज कर रहे हो हो सकता है एक हजार घंटे चल रही है आपकी मशीन लेकिन एक हजार घंटे में भी आप एक ही सेटअप यूज कर रहे हो या फिर एक हजार घंटे में अगर अगर आप आप चार चार सेटअप सेटअप यूज यूज कर कर रहे रहे हो हो तो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट लगनी चाहिए वन ही सेटअप यूज कर रहे हो तो आपकी वन वन ही ही कॉस्ट कॉस्ट सेटअप की लगनी चाहिए तो ये एक सेटअप कॉस्ट मशीन आर से रिलेटेड नहीं है इसको अगर आप मशीन आर के बेसिस पर एब्सॉर्व करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट गलत आ जाएगी सेम अगर मेरी यहां पर कुछ कॉस्ट है जो ऑर्डर से रिलेटेड है उसे अगर आप मशीन आर के बेसिस पर चार्ज कर रहे हो अगेन टोटल कॉस्ट गलत आ जाएगी ज्यादा एक्यूरेट एफिशिएंट नहीं आएगी तो क्या कहता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कि ये जो ओवरहेड्स से उनको आप वेरियस एक्टिविटीज में डिवाइड करो और फिर हर एक्टिविटीज के लिए एक अलग आप कॉस्ट ड्राइवर लो कॉस्ट ड्राइवर मतलब जैसे यहां पर आपने कॉस्ट ड्राइवर लिया हुआ है ओवरहेड रेट, जिससे ये आपके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये जो कॉस्ट है वो जिसे हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या बोलते हैं बेसिस ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट तो वही चीज है यहां पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम उसे बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर ओके तो सबसे पहले क्या कहा जाता है यहां पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कि जो ओवरहेड्स हैं ट्रेडिशनल में आप एक ही बेसिस ले रहे हो ओके ट्रेडिशनल सिस्टम में आपने एक ही बेसिस लिया वेदर इट इज मशीन आर वेदर इट इज डायरेक्ट लेबर आर या फिर आउटपुट बेसिस या फिर प्राइम कॉस्ट का बेसिस लिया फैक्ट्री कॉस्ट का बेसिस लिया जो भी था वहां आपने एक ही बेसिस लिया लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि नहीं सारे के सारी कॉस्ट को आप एक ही बेसिस लेकर नहीं चल सकते क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से मिलकर बनी हुई है तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड करो उन सबके लिए अलग अलग बेसिस लो एज पर दीज एक्टिविटीज जो उनका नेचर है जो इन एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो वाला बेसिस लो और फिर इसके बाद आप इनको यहां पर प्रोडक्ट्स पर चार्ज करो तो क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ट कॉस्टिंग में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट पर चार्ज करते हैं और डिपार्टमेंट को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है उसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट पर एब्सॉर्व कर देते हैं डिपार्टमेंट को अगर मशीन आर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो हम मशीन आर के बेसिस पर प्रोडक्ट पे चार्ज कर दिया डिपार्टमेंट को अगर डायरेक्ट लेबर आर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो हमने डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पर ले लिया लेकिन एक्टिविटी बेस्ड क्या कहती है कि नहीं आप ओवरहेड को एक्टिविटीज में डिवाइंड करो वेरियस एक्टिविटीज में और फिर देखो इन एक्टिविटीज को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है उसको क्या बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर और उन कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर आप इनको क्या करो प्रोडक्ट पर चार्ज करो ओके सो दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है अब आप मुझे बताइए कि, कि किस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में हमारी कॉस्ट ज्यादा एक्यूरेट आएगी ट्रेडिशनल में कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कोर्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्योंकि यहां आपने डिटेल एनालिसिस किया है कॉस्ट का क्या किया है डिटेल एनालिसिस किया है कॉस्ट को बहुत डिटेल में वेरियस एक्टिविटीज में डाला और उनका एक्यूरेट कॉस्ट ड्राइवर यानी वो फैक्टर्स फाइंड आउट किए जो फैक्टर्स उस कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड देन आपने जाकर उसको कॉस्ट पर प्रोडक्ट्स पर चार्ज किया है तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी यहां पर ज्यादा एक्यूरेट आएगी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस मॉडर्न एनवायरमेंट में ज्यादा यूजफुल है क्यों यूजफुल है क्योंकि देखिए आजकल के मॉडर्न एनवायरमेंट में हमारी कॉम्पिटिशन uh, बहुत भयंकर बढ़ गया है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो सरवाइव करना यानी प्रॉफिट कमाना है प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं हम एक सेलिंग प्राइस बढ़ा दें एक कॉस्ट को रिड्यूस कर दें तो अगर आप एक्टिविटी बेस्ड यूज करते हैं कॉस्टिंग सिस्टम तो जो आपकी कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी और ज़्यादा एक्यूरेट आकर आप ज्यादा एफिशिएंटली मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं तो इसलिए हम कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम मॉडर्न टेक्निक होने के साथ साथ ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम है ओके okay? लेकिन अभी आपने देखा कि यहां पर हम इतना डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा है क्या है टाइम कंज्यूमिंग भी, भी ज्यादा है और कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है कॉस्टली यानी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मैथड यहां पर आपको देखिए अगर हम ओवरहेड को वेरियस एक्टिविटीज में डिफाइड करते हैं तो वो क्या क्या एक्यूरेट एक्टिविटीज होगी उनको कौन से फैक्टर इन्फ्लुस करते हैं सिमिलर एक्टिविटीज को कैसे एक्यूमलेट करना है इसके लिए आपको एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ओके okay? तो एक्सपर्ट आता है एक्सपर्ट ये सारे पूरा डिटेल में एनालिसिस करेगा इसलिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है इसी वजह ट्रेडिशनल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम कम यूज में आता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड लेकिन ये उन कंपनीज के लिए ज्यादा यूजफुल है जहां ओवरहेड बहुत हाई वॉल्यूम का है हाई प्रोपोर्शन में क्योंकि देखिए अगर ओवरहेड्स कम प्रोपोर्शन में है बहुत ही कम ओवरहेड्स है फिर उतना टाइम और इतना एक्सपेंडिचर वहां पर करना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है क्योंकि यहां पर कॉस्ट ज्यादा होगा और बेनिफिट जो आप रिसीव करेंगे वो बहुत कम होगा लेकिन वहीं अगर किसी कंपनी में हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड है उस कंपनी में अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है यानी ओवरहेड्स इतने ज्यादा अमाउंट के ओवरहेड्स अगर हैं तो वहां पर आप इन ओवरहेड्स का डिटेल एनालिसिस करते हैं उनको वेरियस एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं उनका इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स यानी कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करते हैं और उनके बेसिस पर जब आप उनको प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं तो आपकी कॉस्ट एकदम एक्यूरेट आएगी और मार्केट में अपनी पोजिशन ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ओके okay? सो so, ये तो कुछ था आ, डिटेल डिस्क्रिप्शन आइए अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को हम पढ़ते हैं आपकी बुक के हिसाब से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग इट इज अ फॉर्म ऑफ एब्सॉर्बेशन कॉस्टिंग ये भी एब्सॉर्बेशन कॉस्टिंग ही है बस डिफरेंस क्या है यहां पर हम डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के अकॉर्डिंग एब्सॉर्व करते हैं यहां पर हम एक्टिविटीज के हिसाब से यहां पर एब्सॉर्व करते हैं तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग बट रेदर देन एब्सॉर्बिंग ओवर हेड्स ऑन ए प्रोडक्शन वॉल्यूम बेसिस इट फर्स्टली अलोकेट देम टू कॉस्ट पुल्स बिफोर एब्सॉर्बिंग दैम इन टू ए यूनिट यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर नाउ व्हाट इज कॉस्ट पुल तो देखिए अभी हमने यहां दो वर्ड्स देखे एक हमने देखा है कॉस्ट पुल कॉस्ट ड्राइवर एंड एक्टिविटी ठीक है एक्टिविटी देखिए इस एग्जाम्पल में मशीनिंग सेटअप ऑर्डर रेंट रेटेस ये सारी एक्टिविटी हो गई है ठीक है अब इन एक्टिविटी के जो भी टोटल एक्सपेंडिचर जब आप आप्यूमलेट कर लेते यानी सेटअप की जो कॉस्ट है टोटल सेटअप कॉस्ट या टोटल ऑर्डर की कॉस्ट या टोटल मशीनिंग की कॉस्ट ये क्या कहलाती है कॉस्ट पूल कहलाते हैं यानी कि जो एक्टिविटीज में आपने ओवरहेड्स को डिवाइड किया उन एक्टिविटीज की टोटल कॉस्ट क्या कहलाएगी कॉस्ट पूल कहलाएगी और उन कॉस्ट पूल को यानी उन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर को हम क्या बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं तो चलिए अ कॉस्ट पूल इज एन एक्टिविटी डेट कंज्यूम रिसोर्सेस एंड फॉर विच ओवरहेड कॉस्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड फॉर ईच कॉस्ट पुल देर शुड बी अ कॉस्ट ड्राइवर सो ये वही चीज जो अभी हमने एक्सप्लेन की है तो अ कॉस्ट पुल इज एन एक्टिविटी अभी हमारे क्वेश्चन में कौन सी थी एग्जाम्पल में सेटअप ऑर्डर प्रोसेसिंग रेंट रेट्स टैक्सेस ये सारी एक्टिविटीज हैं कंज्यूम्स रिसोर्सेज एंड एंड फॉर ओवरहेड आर आइडेंटिफाइड यानी कि जो ओवरहेड की कॉस्ट है इन एक्टिविटीज के सेंस में हम डिवाइड कर देते हैं फिर हम क्या करते हैं इनके कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट कर देते हैं कॉस्ट पुल को किसके बेसिस पर अलोकेट किया जाता है कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर कॉस्ट ड्राइवर इज ए यूनिट ऑफ एक्टिविटी डेट कंज्यूम्स रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ए कॉस्ट ड्राइवर इज द फैक्टर इंफ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ कॉस्ट यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट को कहो या एक्टिविटी को इंफ्लुएंस करता है वो क्या कहलाता है आपका कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है ओके चलिए ये आपके स्टडी मेट का एग्जाम्पल है इमेजिन द मशीनिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस डेट मेक्स क्लोथिंग क्लोथिंग का है इन अ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम द ओवरहेड एब्जॉर्न रेट वुड बी बेस्ड ऑन मशीन आर वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने लिया है यहां पर तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर मशीनिंग डिपार्टमेंट है तो आप कौन सा बेसिस लेंगे मशीन आर का बेसिस लेंगे बिकॉज मेनी ऑफ द ओवर हेड इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट वुड रिलेट टू द मशीन फॉर एग्जाम्पल power maintenance machine depreciation etc using only machine r as the basis would seem fair however not only does the machine department have machine related cost up department equipment use machine related cost but also in an absorption costing system it would have had a share of rent and rents heating lighting apportioned to it तो ये भी कॉस्ट होती है सारी कॉस्ट मशीन रिलेटेड नहीं होती है तो उनको मशीन आर के बेसिस पर अलोकेट करना अपोर्शन करना इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस दिस कॉस्ट वुड ऑल्सो बी एब्सॉर्व बेस्ड ऑन मशीन आर्स एंड दिस इज इन अप्रोप्रिएट एज द मशीन आर्स आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंट और रेट्स ओके सो abc overcome this problem by not using department as gathering points for cost but instead <coughs> it uses activities to group the cost yani cost pools which are cost driven by an activity there would be an activity that related to each of the following it power usage machine depreciation machine maintenance machining would not pick up a share of personnel cost or rent and rates एज दिस वुड बी चार्ज टू अनादर एक्टिविटी ओके तो क्या करते हैं एबीसी कॉस्टिंग में ट्रेडिशनल उन सबके लिए लेकिन यहाँ पर एबीसी में हम क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट है उसको एक्टिविटीज में डिवाइड कर रहे हैं ओके okay? जिसको हम क्या बोल रहे हैं कॉस्ट पुल और जो ये जो फैक्टर्स है उनको ड्राइव करने के लिए ठीक है उन फैक्टर्स के बेसिस पर उन्हें चार्ज करते हैं तो एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है जैसे पावर यूसेज मशीन एप्रीशियशन मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट ट्रेंड एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं तो देखिए द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप मशीनरी फॉर अ प्रोडक्शन रन माइट बी ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ सेटअप्स तो सेटिंग अप कॉस्ट किससे डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेटअप्स जैसे जॉब्स में बैचेस में वहां पर क्या होता है हमारे नए नए सेटअप लगते हैं एक जॉब कंप्लीट हुआ फिर हमने दूसरे जॉब के लिए नया सेटअप लगाते हैं फिर तीसरी जॉब के लिए नया सेटअप लगा रहे हैं तो हर एक नई जॉब के लिए नए बैच के लिए आप जब नया सेटअप ले रहे तो इस सेटअप कॉस्ट को आप किसके बेसिस पर चार्ज करेंगे नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पर तो यहां पर कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया एक्टिविटी है सेटिंग अप कॉस्ट ओके सेटिंग अप जो इसकी टोटल कॉस्ट आएगी वो इसका कॉस्ट पूल कहलाएगा और कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा यहाँ के लिए

मोस्ट सुटेबल और मोस्ट क्लियरली एविडेंट आपके पास गिवन होगा वो आप यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेजिंग माइट बी रिलेटेड टू नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स मेड तो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हम अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर यूज करेंगे चलिए अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं इलेस्ट्रेशन वन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेज एबीसी ओके तो देखिए इस क्वेश्चन को

पर यूनिट नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आर्स यानी कि ए की एक यूनिट को बनाने के लिए थ्री आर्स लग रहे हैं बी की एक यूनिट को बनाने के लिए फोर आर्स सी की एक यूनिट को बनाने के लिए टू आर्स नाउ नेक्स्ट है मशीन आर पर यूनिट ए की एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए टू मशीन आर्स लग रहे हैं डी की एक यूनिट की प्रोडक्शन के लिए फोर मशीन आर्स सी की एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए थ्री मशीन आर्स लग रहे हैं ओके okay? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन अब नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन यानी नंबर ऑफ सेटअप कितने लग रहे हैं फाइव टेन ट्वेंटी फाइव ए की प्रोडक्ट की टोटल मैन्युफैक्चरिंग में फाइव सेटअप्स लग रहे हैं यानी प्रोडक्शन रन यूज आ रहे हैं बी के लिए टेन प्रोडक्शन रन सी के लिए ट्वेंटी फाइव प्रोडक्शन रन नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसीव्ड तो कितनी कंपोनेंट रिसिप्ट फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स फिफ्टीन टेन ट्वेंटी फाइव डायरेक्ट लेबर इज पेड एट डॉलर एट पर आर सो ये आपको डेटा गिवन है ओके okay, कंपनी से रिलेटेड नेक्स्ट पीरियड का नाउ ओवरहेड कॉस्ट इन द पीरियड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एस फॉलो अब देखिए टोटल ओवरहेड कॉस्ट है सेवनटीन लैख डॉलर कितनी है डॉलर सेवनटीन लैख लेकिन अगर हम उनकी एक्टिविटीज वाइज डिवाइड करें तो क्या है सेटअप मशीन गुड्स पैकिंग इंजीनियरिंग ये क्या है एक्टिविटीज हो गई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए इन ओवरहेड्स को आपने डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया इन डिफरेंट एक्टिविटीज की ये कॉस्ट है तो ये क्या कहलाता है हमारा कॉस्ट पूल क्या कहलाएगा कॉस्ट पूल और इस कॉस्ट पुल के लिए आपको क्या चाहिएगा इनको इंफ्लुएंस करने वाले कॉस्ट ड्राइवर चाहिए क्या चाहिए इन्फ्लुएंस करने वाले कॉस्ट ड्राइवर तो चल सम क्वेश्चन में देखें कि कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या है सेटअप के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं सेटअप को इन्फ्लुएंस करने वाले कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा ये रहे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन प्रोडक्शन रन यानी कि प्रोडक्शन सेटअप्स तो कितने सेटअप्स है फाइव टेन ट्वेंटी फाइव तो इस प्रोडक्शन सेटअप की कॉस्ट को जो इन्फ्लुएंस करने वाला कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या होगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ये इसका कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा दीज आर एक्टिविटीज ये कॉस्ट पूल कहलाएगा मतलब इस एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर जो फैक्टर इस एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा वो क्या कहलाता है कॉस्ट ड्राइवर सेटअप की कॉस्ट को नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन नाउ मशीनिंग से रिलेटेड कॉस्ट अब आप मुझे यहां देख के बताएंगे कि मशीन से रिलेटेड कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट ड्राइवर इन्फ्लुएंस करेगा मशीन yes, आर तो यहां पर क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मशीन आर ये इसका कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा ना गुड्स इन वर्ड टू लैख एटी थाउजेंड अब गुड्स इन वर्ड यानी कि हमने गुड्स परचेज किया वो जब हमारे पास आ रहा है उसको कौन सा फैक्टर इंफ्लुएंस करेगा यहां देखिए जो आपके पास डेटा गिवन है अवेलेबल है उसमें से कौन सा है नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसिप्ट तो जितना आपके पास गुड्स आ रहा है उसकी जो रिसेप आ रही है उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे उस एक्टिविटी को डिवाइड कर देंगे तो क्या रहेगा नंबर ऑफ कंपोनेंट पैकिंग एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट अब पैकिंग और इंजीनियरिंग कॉस्ट के लिए हमारे पास क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर क्योंकि जितने ऑर्डर आएंगे उसी हिसाब से आप पैकिंग करेंगे और उसी हिसाब से इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके खर्चे होंगे तो क्या होगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स दोनों के लिए सो so, अगर हम एबीसी कॉस्टिंग यूज करेंगे तो दीज विल बी एक्टिविटीज दीज विल बी कॉस्ट कॉस्टबुल एंड ये हो गए उनके कॉस्ट ड्राइवर अब करना क्या है देखिए वॉट आर द यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच बेस्ड ऑन लेबर आवर्स एंड एबीसी मेथड दोनों ही मेथड से करना है ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करना है और एबीसी मेथड ट्रेडिशनल अप्रोच में जो ये ओवरहेड है इनको करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है बेसिस कौन सा लेना है लेबर आर्ट्स लेना है ओके okay? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बेस्ड ऑन लेबर आर्स ओके नाउ क्या फॉर्मूला रहेगा ट्रेडिशनल अप्रोच बेस्ड ऑन लेबर आर्स का uh, देखिए यह रहा हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को ऐड करके डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है उसमें हम ओवरहेड एब्सॉर्ब करते हैं और टोटल कॉस्ट आ जाती है राइट तो हम वही करने वाले हैं यहां पर सबसे पहले देखिए यहां पर आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है डायरेक्ट लेबर का है और ओवरहेड हमें चार्ज करना है और आपको क्या निकालना है यूनिट कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ठीक है क्या निकालना है कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तीनों ही प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी राइट तो सबसे पहले हमने लिया डायरेक्ट मटेरियल। यस डायरेक्ट मटेरियल में देखिए गिवन है डॉलर ट्वेंटी फाइव डॉलर ट्वेंटी एंड डॉलर एटीन पर यूनिट कॉस्ट गिवन है सो so, ये आ गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अब हमें डायरेक्ट लेबर लेना है ठीक है सेकंड कॉस्ट में क्या आएगा डायरेक्ट लेबर सो डायरेक्ट लेबर के लिए क्या बता रखा है देखिए एक यूनिट को बनाने के लिए थ्री लेबर आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट के लिए हमें कॉस्ट पर यूनिट लेनी है एक लेबर को बनाने के लिए थ्री लेबर आवर लग रहे हैं और पर आर की रेट कितनी दे रखी है डॉलर एट तो एक ही एक यूनिट को बनाने के लिए थ्री आवर्स और एक आर की रेट है डॉलर एट तो एक यूनिट की क्या हो गई थ्री इंटू एट डेट इज डॉलर ट्वेंटी फोर सिमिलरली बी के लिए भी देखते हैं रेट तो एट ही है नंबर ऑफ आर्स देखते हैं बी की एक यूनिट को बनाने के लिए हमारे नंबर ऑफ आर्स लग रहे हैं फोर और सी की एक यूनिट को बनाने के लिए लग रहे हैं टू आर्स तो कितना हो गया थर्टी एंड सिक्सटीन ये तो हो गए हमारे क्या डायरेक्ट लेबर अब हमें क्या लेना है इसमें ओवरहेड और ऐड करने तो ओवरहेड को हम किस बेसिस पर यूज करते हैं आपको ओवरहेड लेना है बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आर तो ओवरहेड चार्ज करने का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा फॉर्मूला ओवरहेड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा ओवरहेड एब्सॉर्बन रेट इनटू एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर ओके एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर तो हमें गीवन है देखिए यहां पर थ्री है यहां टू है, है हम डायरेक्टली कर देते हैं ठीक है ये तो हमने एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर कर लिया लेकिन अब हमें एक चीज लेनी लेनी क्या है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करनी है तो एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप लोगों को ओवरहेड चैप्टर याद आ गया होगा अभी तक क्या फॉर्मूला है हमारा टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल किसके बेसिस पे लेना है बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आर लेना है हमें डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पर लेना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा टोटल डायरेक्ट लेबर आर तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इसका क्या फॉर्मूला हो गया टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल डायरेक्ट लेबर आर ओके नाउ टोटल ओवरहेड तो हमारे पास गिवन है 17 लाख 17 लाख अब टोटल डायरेक्ट लेबर आर उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आइए टोटल डायरेक्ट लेबर आर की कैलकुलेशन करते हैं ठीक है सबसे पहले प्रोडक्ट ए में देखिए प्रोडक्ट एक यूनिट को बनाने के लिए थ्री आर्स लग रहे हैं और टोटल डायरेक्ट लेबर आर लगेंगे कितने लगेंगे तो ए के लिए होगा फोर्टी थाउजेंड इंटू थ्री प्लस बी के लिए कितने डायरेक्ट लेबर आर लगेंगे बी की एक यूनिट को बनाने के लिए लग रहे हैं फोर लेबर आर एक यूनिट को बनाने के लिए लग रहे हैं फोर लेबर आर तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आर लगेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू फोर और सी के लिए क्या लगेगा आपका सी की एक यूनिट को बनाने के लिए लग रहे हैं टू लेबर आर C की एक यूनिट को बनाने के लिए लग रहे हैं टू लेबर आर तो टेन थाउजेंड यूनिट को बनाने के लिए लगेंगे प्लस टेन थाउजेंड इंटू टू डेट इज ट्वेंटी थाउजेंड ये कितने हो गए हैं टू लैक फोर्टी थाउजेंड आरस ओके okay, तो हम लोग यहां कर देते हैं टू लैख फोर्टी थाउजेंड डायरेक्ट लेबर आर तो ओवरहेड एब्स रेट कितनी आ जाएगी यह आ जाएगी सेवन पॉइंट जीरो एट डॉलर सेवन पॉइंट जीरो एट पर डायरेक्ट लेबर आर चलिए यहां अगर हम करते हैं इसे लिख देते हैं सेवन पॉइंट जीरो एट सेवन पॉइंट जीरो एट यह ओवरहेड एब्जॉर्ब रेट हो गई है तो हमारी ओवरहेड कितने आ जाएंगे थ्री इंटू सेवन पॉइंट जीरो एट यह हो जाएगा ट्वेंटी वन पॉइंट टू फोर फोर इंटू सेवन पॉइंट जीरो एट यहां हो जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री टू टू इंटू सेवन पॉइंट जीरो एट ये हो गया फोर्टीन पॉइंट वन सिक्स और टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई है ए की ए की आ गई है ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी वन पॉइंट टू फोर डेट इज सेवेंटी पॉइंट टू फोर बी की कितनी आएगी ट्वेंटी प्लस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री टू ये आएगी एटी पॉइंट थ्री टू एंड सी की आएगी 18 प्लस सिक्सटीन प्लस फोर्टीन ये आएगी 48.16 तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच दिस इज द कॉस्ट पर यूनिट ये रही हमारी 70.24 80.32 48.16 ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच से ओके दिस इज फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच नाउ अब हमें क्या निकलना है सेकेंड पार्ट एज पर ए बी सी यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अब हमें कैलकुलेट करना है ओके okay. तो एबीसी कॉस्टिंग में कैसे कैलकुलेट करेंगे एबीसी कॉस्टिंग में ये रहा हमारा प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी ठीक है यही लिख लेते हैं हम प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी ओके डायरेक्ट मटेरियल तो सेम ही रहेगा 25 फाइव ट्वेंटी एटीन फाइव ट्वेंटी डायरेक्ट वेजेस भी सेम रहेगा ओके okay? 24 32 एंड 16, लेकिन जो चेंज आएगा वो आएगा ओवरहेड में क्योंकि ओवरहेड का एलोकेशन यहां हमने कैसे किया यहां हमने लेबर आर के बेसिस पर किया लेकिन एबीसी में हम किस बेसिस पर करेंगे एक्टिविटीज के बेसिस पर करेंगे ओके okay? तो आइए स्टार्ट करते हैं यहां पर हमारे पास कॉस्ट पुल ग्राइवर है रेट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालते हैं ठीक है तो ये रहा हमारा वर्किंग नोट नंबर वन हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट की ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग ले रहे हैं सेटअप कॉस्ट की सेटअप <coughs> कॉस्ट है कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकालेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ओवरहेड एब्स रेट निकालते थे क्या टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल जो भी आपका बेसिस था यहां पर नंबर ऑफ सेटअप बेसिस है क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर क्या है नंबर ऑफ सेटअप ठीक है तो हम यहां पर क्या लेंगे टोटल नंबर ऑफ सेटअप लेंगे टोटल कॉस्ट कितनी है यहां पर देखिए सेटअप की कॉस्ट है वन लेख फोर्टी थाउजेंड और टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं? आइए देखते हैं ये रहे हमारे टोटल नंबर ऑफ सेटअप यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने फोर्टी नंबर ऑफ सेटअप यानी कि प्रोडक्शन रन तो हमारी यहां कॉस्ट ड्राइवर रेट कितनी हो जाएगी वन लाख फोर्टी थाउजेंड डिवाइड बाय फोर्टी ये हो जाएगी डॉलर थर्टी फाइव हंड्रेड पर प्रोडक्शन रन सो दिस इज द कॉस्ट ड्राइवर रेट ऑफ सेटअप कॉस्ट नाउ सेकंड में देखते हैं सेकेंड कॉस्ट है हमारी मशीनिंग की नाइन लैख मशीनिंग कितनी है टोटल कॉस्ट है नाइन लैख अब हमें इसके लिए क्या चाहिए टोटल मशीन आर्स चाहिए नंबर ऑफ मशीन आर्स तो अब हमें मशीन आर की कैलकुलेशन करनी होगी तो आइए मशीन आर की कैलकुलेशन करते हैं टोटल मशीन आर कितने अवेलेबल है ए बी एंड सी ए के लिए देखिए एक यूनिट को बनाने के लिए टू मशीन आर लग रहे हैं ओके प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को बनाने के लिए टू मशीन आर लग रहे हैं तो फोर्टी थाउजेंड यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेंगे ये लगेंगे फोर्टी थाउजेंड इंटू टू सिमिलरली बी की एक यूनिट को बनाने के लिए फोर मशीन आर यूज में आ रहे हैं कितने मशीन आर यूज में आ रहे हैं फोर मशीन आर यूज में आ रहे हैं तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को बनाने के लिए कितने आएंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू फोर एंड सी की एक यूनिट को बनाने के लिए थ्री मशीन आर यूज में आ रहे हैं तो टेन थाउजेंड यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आर यूज आएंगे टेन थाउजेंड इंटू थ्री इनका टोटल हो जाएगा एट्टी थाउजेंड प्लस वन लैख प्लस थर्टी थाउजेंड कितने हो गए टू लैख टेन थाउजेंड मशीन आर डिवाइड बाय टू लैख टेन थाउजेंड कर देते हैं तो कॉस्ट पर मशीन आर कितनी आ जाएगी डॉलर फोर पॉइंट टू एट सिक्स पर मशीन आर ये हमारी कॉस्ट ड्राइवर रेट सेकंड हो गई थर्ड देखते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट गुड्स इनवर्ड की टू लैख एटी थाउजेंड गुड्स इनवर्ड और इसके लिए जो हमारा था वो क्या था नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसीव यह है टू लैख एटी थाउजेंड नाउ देखते हैं कितने कंपोनेंट रिसीट हैं टोटल यह कंपोनेंट रिसीट है 160। तो क्या आ जाएगी हमारी यहां पर कॉस्ट रेट डॉलर सेवनटीन फिफ्टी पर रिसिप्ट एंड देन फोर्थ है हमारा पैकिंग एंड फिफ्थ है हमारा इंजीनियरिंग और इनके लिए कॉस्ट पूल कितना है देखिए पैकिंग का है टू लैख और इंजीनियरिंग का है वन लैख एटी थाउजेंड ओके और इनके लिए हमें क्या लेना है नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर विच इज 50 कितना हो गया है टू लैख डिवाइड बाय 50 डॉलर 4000 एंड वन लैख एटी थाउजेंड डिवाइड बाई फिफ्टी डॉलर 3600 सिक्स हंड्रेड ओके चलिए अब हम ओवरहेड की कॉस्ट ए बी सी तीनों में निकाल लेते हैं कितनी आएगी फर्स्ट है हमारा सेटअप कॉस्ट यस सेटअप कॉस्ट है डॉलर थर्टी फाइव हंड्रेड पर प्रोडक्शन रन तो एबीसी में कितने प्रोडक्शन रन लग रहे हैं फाइव टेन एंड ट्वेंटी फाइव यहां प्रोडक्शन रन लग रहे हैं फाइव टेन एंड ट्वेंटी फाइव और थर्टी फाइव हंड्रेड की पर प्रोडक्शन रन की कॉस्ट है तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहां पर फाइव इंटू थर्टी फाइव हंड्रेड हो जाएगी डॉलर सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहां हो जाएगी थर्टी फाइव थाउजेंड और यहां पर हो जाएगी ट्वेंटी फाइव इंटू थर्टी फाइव हंड्रेड डेट इज एटी सेवन फाइव हंड्रेड ओके सेटअप कॉस्ट के बाद सेकंड देखिए सेकंड थी हमारी मशीनिंग कॉस्ट मशीनिंग कॉस्ट में जो कॉस्ट पूल है वो कितना है फोर पॉइंट कॉस्ट रेट है फोर पॉइंट टू एट सिक्स ओके मशीनिंग का है फोर पॉइंट टू एट सिक्स ओके ये 4.286 है पर मशीन आर कितना है पर मशीन आर तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आर लग रहे हैं एक ही? टू फोर एंड थ्री कितने लग रहे हैं टू फोर एंड थ्री मल्टीप्लाई कर देते हैं टू फोर एंड थ्री से सॉरी टोटल मशीन आर कितने लगे एट्टी थाउजेंड क्योंकि हम यहां टोटल ओवरहेड ले रहे हैं कितने लगे एट्टी थाउजेंड वन लैख एंड थर्टी थाउजेंड यहां लगे एट्टी थाउजेंड यहां लगे हैं वन लैख एंड थर्टी थाउजेंड ये टोटल टोटल मशीनार इतने लगे तो चलिए देखते हैं मशीनिंग का खर्चा कितना हो गया 4.286 पॉइंट टू एट सिक्स इंटू हो गया है 342880. फोर्टी टू एट एटी फोर फोर हो गया है 428600 एंड 4.286 पॉइंट टू एट सिक्स इंटू थर्टी ये हो गया है 128580 ओके देन मशीनिंग के बाद थर्ड है हमारा गुड्स इन वर्ड का नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसिप्ट कॉस्ट लग रही है हमारी 1750 पर रिसिप्ट ओके और नंबर ऑफ रिसिप्ट देखते हैं कितनी है नंबर ऑफ रिसिप्ट है यहां पर 15 25 एंड 120 ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव एंड वन ट्वेंटी सो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेवनटीन फिफ्टी इंटू फिफ्टीन टोटल गुड्स इन के खर्चे जो ए पर आए वो आए टू सिक्स टू फाइव जीरो बी पर जो आए हैं वो आए सेवनटीन फिफ्टी इन टू ट्वेंटी फाइव या आए हैं फोर थ्री सेवन फाइव जीरो एंड सेवनटीन फिफ्टी इंटू वन ट्वेंटी आए हैं टू लैख टेन थाउजेंड ओके गुड्स इनवर्ट के बाद में हमारा फोर्थ है पैकिंग का एंड फिफ्थ है इंजीनियरिंग का ओके तो देखिए फोर थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है इसके लिए हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर विच इज फिफ्टीन टेन एंड ट्वेंटी फाइव कितने हैं एबीसी के यहां पर है फिफ्टीन टेन एंड ट्वेंटी फाइव ओके तो पैकिंग का खर्चा कितना है फोर थाउजेंड तो यहां पर कितना हो जाएगा फोर थाउजेंड इंटू फिफ्टीन और यहां पर हो जाएगा फोर थर्टी सिक्स हंड्रेड इंटू फिफ्टीन राइट तो कितना हो जाएगा फोर थाउजेंड इंटू फिफ्टीन पैकिंग के लिए हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड और थर्टी सिक्स हंड्रेड इंटू फिफ्टीन इंजीनियरिंग का हो जाएगा 54000 सिमिलरली बी के लिए देखते हैं बी के जो रन uh, है प्रोडक्शन ऑर्डर हैं वो है 10 तो कितना हो जाएगा 4000 10 दैट इज 40000 और यहां हो जाएगा 36000 10 दैट इज 36000 और सी के लिए कितने हैं 25 तो यहां पर कितना हो जाएगा 4000 25 दैट इज 1 लाख

ये हो जाएगा आ, यहाँ स्पेस नहीं है इसके लिए मैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर लिख रही हूँ ए का हो गया है फाइव डबल जीरो सिक्स थ्री जीरो बी का हो गया है टोटल थर्टी फाइव थाउजेंड प्लस फोर ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड प्लस फोर्टी थ्री सेवन फिफ्टी प्लस फोर्टी थाउजेंड प्लस थर्टी सिक्स थाउजेंड बी के लिए हो गया है फाइव एट थ्री थ्री फाइव जीरो एंड सी के लिए टोटल एक्सपेंडिचर हो गया है एटी सेवन फाइव हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी एट फाइव एटी प्लस टू लैख टेन थाउजेंड प्लस वन लैख ये हो गया है ओके okay, चलिए तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है अब हमें क्या करना है यहां पर यहां पर ओवरहेड रेट चार्ज करनी है एबीसी कॉस्टिंग की तो हमें पर यूनिट कॉस्ट चाहिएगी ठीक है ये फाइव हंड्रेड सिक्स थर्टी टोटल ओवरहेड है और हमें क्या लेना है पर यूनिट लेना है तो चलिए पर यूनिट निकालते हैं फाइव ये टोटल ओवरहेड की है डिवाइड बाय ए के कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है देखिए फोर्टी थाउजेंड तो ये टोटल की है यानी फोर्टी थाउजेंड यूनिट की है तो पर यूनिट की कितनी कॉस्ट हो जाएगी फाइव डबल जीरो सिक्स थ्री जीरो डिवाइड बाय फोर्टी थाउजेंड ये हो जाएगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव वन फाइव ओके बी की देखिए बी के लिए टोटल कॉस्ट है फाइव लैख एटी थ्री थाउजेंड थ्री फिफ्टी 583350 लेकिन ये टोटल कितनी यूनिट्स के लिए है ये टोटल 25000 यूनिट्स के लिए तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी क्योंकि हमें यहां कॉस्ट पर यूनिट बनाना है ये सारी पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है. तो कितनी हो जाएगी यहां पर 583350 डिवाइड बाय 25000 पर यूनिट कॉस्ट हो गई 23334 एंड सिमिलरली सी के लिए देखिए सिक्स सिक्सटीन थाउजेंड एटी सिक्स लैख सिक्सटीन थाउजेंड एटी ये टोटल है तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल यूनिट टेन थाउजेंड तो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी सिक्सटी वन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स वन ओके तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट पर यूनिट एक ही होगी ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व पॉइंट फाइव वन फाइव ये होगी 61.515 बी के लिए होगी 20 प्लस 32 प्लस 23.334 ये होगी 75.334 एंड सी के लिए 18 प्लस 16 प्लस 61.61 ये होगी 95.61 चलिए चेक करते हैं ये रही हमारी सिक्सटी वन पॉइंट फाइव टू सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री फाइव एंड नाइन्टी फाइव पॉइंट सिक्स टू ओके ये रहा हमारी कॉस्ट पर यूनिट ये ABC के लिए ये। अगर हम ABC और ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल को कंपेयर करते हैं ओके तो देखिए में क्या ही है कर रखा है ए की ओवर कॉस्ट कर रखी ज्यादा रखी है और प्रॉफिट चार्ज करके ज्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज करेंगे बी के लिए देखिए बी के भी एक्यूरेट जो कॉस्टिंग एज पर एबीसी आ रही है वो सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री थ्री फोर एज पर ट्रेडिशनल तो मतलब कॉस्ट ओवर कॉस्ट हो रहा है बी बी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ऑन द कंट्रीरी सी देखिए सी की पर यूनिट कॉस्ट

ओके, okay? सो so, ये था हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आज हम इतना ही करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू